वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजी कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण, और आज का हमारा विषय होने वाला है भाषा। तो हमारा विषय का नाम क्या है? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जिसमें से हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखे थे कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम देखे थे कि बोली किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के कितने? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा मौखिक और दूसरा होता है हमारा लिखित। मतलब जब हम कोई चीज़, कोई बातें अपने मन की भाव और विचार को बोल के व्यक्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मौखिक, मतलब मुँह से बोल रहे हैं हम। और लिखित का मतलब क्या होता है? जो हम लिख कर, जब हम लिखकर अपने मन के भाव और विचार को प्रकट करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित। ठीक है, तो ये तो होते हैं भाषा के प्रकार। उसके बाद हम क्या देखे थे? बोली किसे कहते हैं। तो बोली क्या था, वो भी हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद था बोली को कितने वर्गों में बांटा गया है। उसके साथ साथ हम उसमें ये भी पढ़े थे कि मातृभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा किसे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं, वो होगा हमारा लिपि किसे कहते हैं। लिपि मतलब स्क्रिप्ट, जो हम लिखते हैं। हर चीज़, जो भी आप लिख रहे हो, उसे लिखने का एक तरीका होता है ना, जिस तरह से हम उसे लिखते हैं। जैसे हिंदी, हिंदी अगर मैं लिखती हूँ तो उसे कैसे लिखूँ? का खा गा, उसका लिखने का चिन्ह जो होता है वो अलग होता है। इंग्लिश लिखती हूँ तो उसका चिन्ह जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, उर्दू का अलग होता है, फारसी का। मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है, जितनी भी लिपि हो है, वो जब हम लिखते हैं तो वो अलग अलग होती। तो वो क्या होती है, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिपि किसे कहते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा विषय है, उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया, लिपि मतलब जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं। जैसे अभी मैं किस में बात कर रही हूँ, हिंदी में बात कर रही हूँ। हिंदी अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? ऐसे, का खा, है ना। तो मतलब इस तरह से हिंदी, इसका चिन्ह कैसे है? इस तरह से। अगर यही मुझे इंग्लिश लिखनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगी? यहाँ मैं लिखूंगी ए और बी, मतलब सी डी ऐसे आ गई, तो इसकी चिन्ह अलग हो गई, है ना। तो वैसी होती है गुजराती, पंजाबी, मराठी, है ना। ये सारी की भी लिखने की लिपि जो होती है अलग अलग होती है। बंगला लिखोगे तो उसकी लिपि अलग होगी। तो वो क्या होती है, ये सारी क्या होती है, चिन्ह होते हैं। ठीक है, अब हम उसे क्या कहते हैं, यही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। वही मैं अभी आप लोगों को बताई, अगर मैं हिंदी लिख रही हूँ तो मैं कैसे लिखूंगी? हमारा चिन्ह ऐसा होगा हिंदी लिखने का। इंग्लिश लिखूंगी, जैसे आप इंग्लिश लिखते हो तो ए भी ऐसे होता है, है ना। अगर आप, है ना, मैं बस बता रही हूँ आप लोगों को कि लिखने का चिन्ह जब अलग अलग होता है सबका। ठीक है, वही जो अलग अलग तरीके होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो चलिए, अब हम ये पढ़ेंगे। लिपि तो हम समझ गए, कई बार जब हम हिंदी में पेपर लिखते हैं तो उसकी लिपि को हम क्या कहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला तो था, हम समझ गए कि लिपि किसे कहते हैं। अब हम चलिए देख लेते हैं, जैसे यहाँ लिपि के कौन कौन से दी हुई है। जैसे पहला हमारा भाषा क्या है, पंजाबी। ठीक है, पंजाबी को भी हम लिख सकते हैं, इसलिए पंजाबी को किस में रखा गया है, भाषा में। अगर आप मेरी पहली वीडियोस देखे हो गए, जिसमें मैं आप लोगों को बताई थी कि हमारे संविधान में कितनी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, उसमें से ये सारी भाषा थी, और सबको लिखने का तरीका क्या था हमारा, अलग अलग था, है ना। वैसे यहाँ हो गई, जैसे हो गई हमारी पंजाबी, है ना, पंजाबी हो गई। पंजाबी को की लिपि को हम क्या कहते हैं, गुरुमुखी, है ना। उसे लिखने का तरीका होता गुरुमुखी, उसे क्या कहते हैं हम, गुरुमुखी। उसके बाद है जैसे हमारी भाषा है हिंदी, संस्कृत और मराठी। मतलब ये तीनों, हिंदी, संस्कृत, मराठी जो है, ये सबके लिखने का चिन्ह जो होता है समान होता है, मतलब एक जैसा होता है, लेकिन पढ़ा उसे अलग अलग जाता है। ठीक है, अलग तरीके से हम पढ़ते। संस्कृत आप सब पढ़े होंगे, उसे भी देखे होंगे, जब हम लिखते हैं तो वो भी उसका चिन्ह कैसा होता है, जैसे हम हिंदी लिखते हैं वैसे उसका भी चिन्ह होता है, है ना। मराठी अगर आप लोग देखे हो लिखते हुए, तो उसका भी चिन्ह कैसा होता है, जैसे हम हिंदी लिखते हैं वैसे चिन्ह होता है। इसलिए उसे हम कौन सी लिपि कहते हैं, उसे हम कहते हैं देवनागरी। ठीक है, जब एग्जाम्स में लिखने आता, अगर आप पेपर हिंदी में लिखते हो तो उसमें लिपि आपको लिखने के लिए दिया जाता है, तो लिपि में हम लिखते हैं ना देवनागरी। संस्कृत लिखते हो तो उसमें भी लिखते हैं देवनागरी। ठीक है, उसके बाद है जैसे हमारा तमिल, तमिल है।
तमिल हम जिस चिन्ह से लिखते हैं उसे की भी लिपि को हम तमिल ही कहते हैं, ठीक है, उसकी चेंज नहीं होती। वैसे ही जैसे इंग्लिश लिखते हैं हम, मतलब अंग्रेजी होगी, जर्मन हो गई, तो इसका लिखने का जो लिपि है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रोमन, ठीक है। तो ये तो था लिपि, किसकी लिपि को हम, तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा दूसरा क्या है। भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग 3 रूपों में किया जा रहा है। कितने रूप में किया जा रहा है? 3 रूपों में। पहला हमारा क्या है, राजभाषा के रूप में। राजभाषा जो है उसमें क्या होता है, मतलब कार्यालय की जगह में, जहां हम काम काज में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हम कहां कहां करते हैं उसका प्रयोग, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अगर आप जाओगे तो वहां भी काम काज की जो जगह होती है वहां हम हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। वैसे हो गया हमारा बिहार, उत्तरांचल और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में, ये सारे जितने भी थे वहाँ हम किस में बात करते हैं, काम काज की। इसमें यहाँ किस में यूज़ किया जाता है, मतलब राजभाषा में, ठीक है। राजभाषा के इसमें हम उसमें बात करते हैं, हिंदी जो है वहाँ की राजभाषा माना जाता है। उसके बाद है हमारा द्वितीय भाषा के रूप में, मतलब कि एक भाषा तो है वहाँ ऑलरेडी, मतलब पहले से है, लेकिन हम उसे दूसरे भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसे सेकेंड इसमें रखते हैं। कहाँ कहाँ रखते हैं? पंजाब में, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। वहाँ अगर आप पंजाब देखो तो वहाँ ज़्यादातर लोग पंजाबी में बात करते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ गए हो घूमने के लिए, आपको पंजाबी नहीं आती है, तो वो लोग आपसे हिंदी में बात करेंगे। तो इसलिए वहाँ किस में प्रयोग किया जाता है, वहाँ द्वितीय भाषा के रूप में, ठीक है। वहाँ के लोगों को पंजाबी में बात करते हैं, लेकिन वहाँ जितने लोग हैं सब पंजाबी में, पंजाब जाओगे तो सब लोग पंजाबी में बात करेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो वो हिंदी में भी बात करेंगे, इसलिए वो द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। वैसे हो गया महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में हो गया और गुजरात। उसके बाद संपर्क भाषा, मतलब कि वहाँ की भाषा तो ऑलरेडी है पहले से, जिसमें वो लोग हर जगह बात करते हैं, लेकिन उसे एक दूसरे से बात करने के लिए, जैसे अगर वो कहीं और जा रहे घूमने, उन्हें वहाँ की लैंग्वेज से बात आती है, ठीक है, वहाँ की भाषा आती है उन्हें, लेकिन अगर कहीं और वहाँ तो उन्हें नहीं आएगी ना, इसलिए वो संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते। कौन से? दक्षिण भारत के राज्यों में तथा पश्चिमी बंगाल, जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर के राज्यों में। तो यहाँ सब में किस में रखा गया? संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को रखा गया। तो चलिए ये तो था लिपि, लिपि हम समझ गए। लिपि में क्या होता है, लिखने का जो हम लिखते हैं उसके चिन्ह का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके। उसके बाद हम पढ़े कि भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग कितने रूप में, 3 रूपों में किया जाता है, क्या क्या था वो भी हम पढ़ चुके। तो अब हम जो पढ़ेंगे, तो चलिए वो तो हम पढ़ चुके कि लिपि किसे कहते हैं और हिंदी भाषा को कितने रूपों में प्रयोग किया गया, 3 रूपों में, वो भी हम पढ़ चुके। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, मतलब जैसे यहाँ लिखा हो, जो शास्त्र में हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों की शुद्धता प्रयोग की जानकारी देता है वह व्याकरण कहलाता है। मतलब जब हम वर्ण जो लिखते हैं, जो हम बोलते हैं वाक्य, उसकी शुद्धता, मतलब सही सार्थक हो, सही से लिख सके, बोल सके, उसकी हमें कौन पहचान करवाता है, उसका प्रयोग हमें किससे मिलती है, उसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है, ठीक है। अब व्याकरण क्या है, उसे भी 4 भागों में बांटा गया। उसके 4 अंग कौन से है, पहला हमारा वर्ण विचार, दूसरा हमारा शब्द विचार और तीसरा हमारा पद विचार। उसके बाद क्या है हमारा, वाक्य विचार। तो ये 4 क्या है, व्याकरण के अंग। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने अंग है, 4 अंग है। पहला हमारा है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है, इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन, संयोजन में चर्चा की जाती है। इसमें किस में बात की जाती है, मतलब वर्ण के उच्चारण, वर्ण जो होते हैं जो हम लिखते हैं, का खा गा गा, ये सारी चीज़ें जो हम लिखते हैं इसके उच्चारण के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है, उसकी जानकारी मिलती है। किस में हमें, वर्ण विचार में मिलती है। उसके बाद है शब्द विचार, ठीक है, जब वर्ण हम लिख लेते हैं, वर्ण क्या होती है, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया। अब हम शब्द कैसे बनाते हैं, वो जो वर्णों के टुकड़े रहते हैं उन सबको जब हम जोड़ देते हैं, जैसे का, मा, ला, ये तीनों क्या है, एक वर्ण है, है ना। अब जब मैं इन तीनों को जोड़ दी हूँ, एक साथ कर दी हूँ, तो ये क्या बन जाएंगे, शब्द बन जाएंगे। अब वही दिया हुआ हमारा शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युक्तिकरण और रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी होती है। जैसे इसमें हमें क्या मिलता है, शब्दों की जानकारी मिलती है, क्योंकि हम कुछ भी शब्द तो नहीं बना सकते हैं, वर्ण तो है हमारे इतने सारे, लेकिन जैसे है का माला कमल, लेकिन मैं उसमें का टाना, ये तो कुछ नहीं होगा ना, ये कोई शब्द बनेगा, ये हम वर्ण जोड़ के भी कोई शब्द नहीं बना सकते, लेकिन कब शब्द बनेगा, जब हम वर्णों की सार्थक मेल करेंगे। तो वही इसमें हमें क्या पता चलता है, शब्द विचार।
उसके बाद है पद विचार, मतलब जो शब्द है, ठीक है, शब्द अलग अलग है, जब मैं उन्हें एक वाक्य में प्रयुक्त कर दूंगी तो वो क्या बन जाएंगे, हमारा पद बन जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या है, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। मतलब इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीज़ हम पढ़े हैं ना। उसमें क्या होता है, पद जब हम बनाते हैं तो इसमें संज्ञा भी होता है, सर्वनाम भी होता है, हर चीज़ होता है। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें मैं किसके बारे में, राम के बारे में बता रही हूँ। राम क्या हो गया, हमारा संज्ञा, और बहुत अच्छा लड़का है मतलब उसकी मैं विशेषता बता रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें पद विचार में आ जाते हैं। उसके बाद है वाक्य विचार। वाक्य विचार में क्या है, व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, इसके संबंध, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब हम वाक्य बनाते हैं, जैसे मैं लिखी हूँ राम काम करता है, तो उसके बाद मैं विराम चिन्ह लगाती हूँ, तो जो चिन्ह लगाते हैं उसके में हमें क्या पता चलता है, वाक्य विचार में इसकी की जानकारी होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय था, जितने भी हम पढ़ चुके कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद हम देखे थे बोली किसे कहते हैं, बोली को कितने वर्गों में बांटा गया है, उसके बाद आज के वीडियोस में हम क्या क्या पढ़े, लिपि किसे कहते हैं, और लिपि के बारे में भी हम और सारी चीज़ें पढ़े कि देवनागरी में कौन, देवनागरी जो हमारी लिपि है, देवनागरी जो हमारी लिपि है उसमें हम कौन कौन सी रखते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, हिंदी रखते हैं, मराठी रखते हैं और संस्कृत रखते हैं। ठीक है, और भी जैसे ये सारी लिपि के बारे में भी हम पढ़े, उसके बाद हम क्या पढ़े, उसके बाद हम देखें कि व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 अंग होते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है भाषा, बोली, लिपि, तो ये हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।